कैलेंडर आम तौर पर नए साल पर दिन और महीने की तारीखों के बारे में जानने के लिए हम घर में रखते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कैलेंडर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारत के शास्त्रीय संगीत के बारे में शानदार जानकारी मिलेगी। देखिए, साल के 12 महीने और हर महीना मौसीकी के उस्तादों के नाम। ये महज एक कैलेंडर नहीं बल्कि नामचीन संगीतकारों की तस्वीर का ऐसा एल्बम है जिसमें शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद की शानदार परंपरा की झलक मिलती है। स्वामी हरिदास भाई परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खान साहब की भी तस्वीर है और हमारे जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद नईमुद्दीन खान साहब, इन सब की तस्वीरें जितने भी कवर कर सकते थे। बहुत सारे लोग छूट गए लेकिन जितने भी हम लोग कवर कर सकते थे इधर हैं। खास बात यह है कि इस कैलेंडर में ध्रुपद गायकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस बात की खुशी है कि इस कैलेंडर के कारण ये ध्रुपद जो है, ध्रुपद का इतिहास, ध्रुपद का वर्तमान, ध्रुपद में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में काफी जानकारी लोगों तक, परिवारों तक और आने वाली जनरेशन को भी जाएगी। ये आने वाले पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक यादगार चीज रहेगी कि वो उनको उस चीज को देखे और हमारे संस्कृति को और हमारे देश की जो भी कला है उनको याद रखे और इन कलाकारों को याद रखे जिन्होंने योगदान दिया है। संगीतकारों की यादों को सहेजने वाला यह कैलेंडर लगातार 7वें साल पेश किया गया है। 2022 भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का साल है और खास बात यह है कि यह बेहतरीन कैलेंडर अमृत महोत्सव को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद को लेकर राजगिरी के सालाना कैलेंडर का विमोचन आज पद्मश्री सम्मानित ध्रुपद गायक उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में पंडित उदय भवालकर और उस्ताद बहाउद्दीन डागर भी शामिल हुए। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार का काम कर रही संस्था राजगिरी ने आज अपना सालाना कैलेंडर रिलीज किया। कैलेंडर संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद पर आधारित है जिसका विमोचन पद्मश्री से सम्मानित ध्रुपद गायक उस्ताद वासिफुद्दीन डागर ने किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंडित उदय भवालकर और उस्ताद बहाउद्दीन डागर भी शामिल हुए। भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था रागगिरी ने इस साल भी अपने कैलेंडर का विमोचन किया। नए साल का कैलेंडर उन ध्रुपद गायकों पर केंद्रित है जिन्होंने ध्रुपद गायकी में संगीत को अलग पहचान दिलाई। स्वामी हरिदास भाई परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खान साहब की भी तस्वीर है और हमारे जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद नईमुद्दीन खान साहब, इन सब की तस्वीरें। ये लगातार 7वां साल है जब रागगिरी ने अपने कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में महान ध्रुपद गायक स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा, उस्ताद बरहम खान को जगह दी गई। वहीं कैलेंडर में उस्ताद रहीमुद्दीन खान, उस्ताद जियाउद्दीन खान के अलावा उस्ताद मोइनुद्दीन डागर और उस्ताद अमीनुद्दीन डागर के नाम के भी पन्ने। रागगिरी का कैलेंडर उस्ताद फहीमुद्दीन खान डागर, उस्ताद जहीरुद्दीन डागर और उस्ताद फयाजुद्दीन डागर के नाम भी समर्पित है। आने वाली पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक यादगार चीज रहेगी कि वो उनको उस चीज को देखे और हमारे संस्कृति को और हमारे देश की जो भी कला है उनको याद रखे और इन कलाकारों को याद रखे जिन्होंने योगदान दिया है। कैलेंडर में उस्ताद सईउद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर के अलावा पंडित उमाकांत गुंदेजा और पंडित रमाकांत गुंदेजा के नाम भी शामिल हैं। उस्ताद वासिफुद्दीन डागर और उस्ताद बहाउद्दीन डागर के साथ कैलेंडर में पंडित अभय नारायण मलिक और पंडित उदय भवालकर के नाम को भी शामिल किया गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद को लेकर रागगिरी के सालाना कैलेंडर का विमोचन पद्मश्री से सम्मानित ध्रुपद गायक उस्ताद वासिफुद्दीन डागर ने किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंडित उदय भवालकर और उस्ताद बहाउद्दीन डागर भी शामिल हुए।
इस खास कैलेंडर में ध्रुपद गायकी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, साथ ही कई महान कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा से लेकर मौजूदा दौर के सभी बड़े ध्रुपद कलाकारों को जगह दी गई है। ये लगातार सातवां साल है जब रागगिरी ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित कैलेंडर को प्रकाशित किया है। हरिदास भाई परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खान साहब की भी तस्वीर है और हमारे जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद प्रेमुद्दीन खान साहब, इन सब की तस्वीरें जितने भी कवर कर सकते थे, बहुत सारे लोग छूट गए लेकिन जितने भी हम लोग कवर कर सकते थे इधर है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद को लेकर रागगिरी के सालाना कैलेंडर का विमोचन पद्मश्री से सम्मानित ध्रुपद गायक उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंडित उदय भवालकर और उस्ताद बहरुद्दीन डागर भी शामिल हुए। इस खास कैलेंडर में ध्रुपद गायकी के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ कई महान कलाकारों को भी शामिल किया गया। इसमें स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा से लेकर मौजूदा दौर के सभी बड़े ध्रुपद कलाकारों को जगह दी गई। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमृत की तरह है। 2022 भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का भी वर्ष है। सुर, साज, स्वतंत्रता और समर्पण की संधि को शिव कहते हैं। इस साल का रागगिरी कैलेंडर भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को समर्पित है। ये लगातार सातवां साल है जब रागगिरी ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित कैलेंडर प्रकाशित किया है। स्वामी हरिदास भाई परम गुरु, फिर यहाँ पे तानसेन जी की भी है और बैजू बावरा जी की भी है और हमारे परम पितामह बाबा बैराम खान साहब की भी तस्वीर है और हमारे जियाउद्दीन खान साहब, उस्ताद प्रेमुद्दीन खान साहब, इन सब की तस्वीरें जितने भी कवर कर सकते थे, बहुत सारे लोग छूट गए हैं लेकिन जितने भी हम लोग कवर कर सकते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कैलेंडर के कारण ये ध्रुपद जो है, ध्रुपद का इतिहास, ध्रुपद का वर्तमान, ध्रुपद में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में काफी जानकारी लोगों तक, परिवारों तक और आने वाली जनरेशन को भी जाएगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और नई जनरेशन के लिए एक यादगार चीज रहेगी कि वो उनको उस चीज को देखे और हमारे संस्कृति को और हमारे देश की जो भी कला है उनको याद रखे और इन कलाकारों को याद रखे जिन्होंने योगदान दिया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद को लेकर रागगिरी के सालाना कैलेंडर का किया गया विमोचन। कैलेंडर का ऑनलाइन विमोचन में पंडित उदय भवालकर और उस्ताद बाउद्दीन डागर भी शामिल हुए। कैलेंडर में गायकी के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर रागगिरी का कैलेंडर रिलीज, ध्रुपद गायक उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने विमोचन किया। कैलेंडर भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैली ध्रुपद पर आधारित है।